अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देशानुसार आज पूरे भारत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद सलाम दिवस मनाया गया। इस कड़ी में बस्सी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बास्खो में शहीद अशोक वर्मा शहीद स्मारक स्थल पर बस्सी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद सलाम दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया गया, जिसमें शहीद को पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर सम्मान दिवस के रूप में मनाया। बस्सी तहसील के ग्राम बास्खो में शहीद अशोक स्मारक पर उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि भेंट कर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी सम्मान दिया गया। ये कार्यक्रम शुक्रवार सुबह 11 बजे आयोजित किया गया। इस दौरान बस्सी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे दौलत मीणा ने कहा कि हमारे सैनिकों का बलिदान देश नहीं भूलेगा, हमें हमारी सेना पर गर्व है, साथ ही अटूट विश्वास है कि भारत का एक एक सैनिक चीनियों पर भारी पड़ेगा। इस अवसर पर बस्सी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवल किशोर व्यास, ब्लॉक संगठन महामंत्री जगदीश नारायण जाट, ब्लॉक प्रवक्ता योगेंद्र गोठड़ा, ब्लॉक महासचिव सियाराम भारद्वाज सीताराम जाट, ब्लॉक महामंत्री शिवरतन शर्मा, वरिष्ठ नेता कैलाश मिश्रा, लखन शर्मा का सूरज परेवा, युवा नेता दीपक मीणा, विक्की मीणा, विकास मीणा, राधेश्याम कोहली, चिरंजी लाल रेगर, विनोद दामोदर शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज शहीदों के सम्मान में पूरे देश में शहीद सलाम दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब जगह ये कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें शहीदों को हमारे सैनिकों को एक सम्मान देने के रूप में उनको जो गलवाना घाटी में हमारे शहीद हुए सैनिक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के दिशा निर्देश पे आज पूरे भारत के अंदर जो शहीद दिवस को सम्मान के रूप में कांग्रेस पार्टी ने मनाया है, उसी कड़ी में हमने बास्को में शहीद स्मारक पे हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी याद में यहाँ पे 2 मिनट का मौन रखकर इनको फूल माला करके उनके सम्मान के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे कांग्रेस के नेता दौलत जी मीणा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बस्सी और कुंभा के संयुक्त तत्वाधान में